रतलाम जिले के जावरा तहसील अंतर्गत आने वाले सरसी में अवैधानिक रूप से बनाए गए कत्लखाने को लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर पटवारी मदन लाल धाकड़ के द्वारा कत्लखाना संचालक आसिफ कुरैशी पिता कल्लू कुरैशी के साथ जमीन को लेकर की गई सांठगांठ का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। हिंदू जागरण मंच और सरसी के ग्रामीण जनों के द्वारा इस मामले में SDM को ज्ञापन भी दिया गया है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा दिए गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गांव सरसी संवेदनशील क्षेत्र है, जहां कत्ल खाने की वजह से सांप्रदायिक विवाद भी हो सकता है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनों के द्वारा अवैधानिक कार्य को अंजाम देने वाले पटवारी और अन्य कर्मचारियों सहित कत्ल खाने के संचालक आसिफ कुरैशी पर सख्त कार्रवाई करने और कत्ल खाने के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की गई है। इधर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 8 दिन का वक्त भी दिया है। सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो हिंदू जागरण मंच के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आदर्श न्यूज के लिए जावरा से पत्रकार दिनेश धाकड़ की रिपोर्ट। आज हिंदू जागरण मंच जो जावरा प्रखंड में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि सरसी में एक व्यक्ति है जो वहाँ पर निवासरत नहीं है, वो बड़ावदा के निवासी हैं और उनको जो स्वामित्व योजना है उसमें भूखंड का पट्टा दिया गया है। तो उनके तरफ से आवेदन है कि उसकी जांच की जाए और विधि अनुसार जो भी उसकी कार्रवाई की। ये सरसी में जो कि काफी टाइम से मीडिया में भी हमने देखा होगा कि एक जो मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति है जो कि उसका मूल निवासी वो बड़ावदा का रहने वाला है, लेकिन सरसी में किसी भी तरह का मूल निवासी ना ही वो वहाँ का कोई आधार कार्ड है, फिर भी वहाँ पर उसने अपनी जमीन खरीद रखी है या कब्जा कर रखा है। वो अभी जो है पटवारी से मिलजुल के सांठगांठ के तहत उस पर कब्जा किया गया है और वहाँ पर पक्का निर्माण कर वहाँ पर अवैध कत्लखाना बनाया गया है। इस संबंध में ज्ञापन है और हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन को अवगत भी कराया है कि उचित जांच कर अगर कार्रवाई 7 दिनों के अंदर नहीं होती है तो फिर इस बीच में एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी में। जय श्री राम। मदन लाल करके पटवारी है और जो है ये व्यक्ति आसिफ कुरैशी नाम से कोई है। वहाँ पर पक्का निर्माण कर लिया है और पक्का निर्माण करने के बाद कत्लखाना वहाँ पर बनाया गया है जो कि अवैध है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।